वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़, और सबके लिए आवाज़ उठाता उठाता सच्चाई की आवाज़ उठाता है। और याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा टीवी चैनल है जो सच्ची बात करता है। तो या साथियों, हम दिखाना चाहते हैं आप सभी को जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वीडियो को, ये वीडियो जो है कि यहाँ पर जो तोता टांडा पड़ता है सहारनपुर ज़िले के अंदर जो है, वहाँ पर जो शैतान लोग बैठे हैं जो तोड़ना चाहते हैं गुरुद्वारों को, बिल्डिंगों को तोड़ना चाहते हैं। ये बीजेपी का राज जब जहाँ भी चल रहा है, इसमें से पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी चल रहा है वहीं पर अत्याचार हो रहा है, गुरुद्वारे टूट रहे हैं और बस मंदिर बच रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, बस ये हो रहा है। तो इसमें मस्जिदें टूट रही है, मस्जिदों के फैसले हो रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है बीजेपी के राज में। तो ये जो यूपी के अंदर जो सरकार, तो ऐसी जो है इन लोगों की सरकार है जिनको कोई पता सता नहीं ज़िंदगी के बारे में। तो ये वीडियो दिखाता है हम उसको, हमारे तोता टांडे का है, जहाँ पर राम सिंह जी हैं इंग्लैंड से, उन्होंने जो है उन्होंने सेवा की है इस गुरुद्वारे की, और जो वीडियो दिखाते हैं जी। नहीं भाई, ये बनी दीवार तोड़ रहे ना, बिना मालकों के यार, कर रहे यार, तो ऐसे थोड़े हो, ऐसे थोड़े बनी बनाई दीवार तोड़ दी हमने। अरे बात दूसरी, इसकी जमीन है, उसकी लंबी कतार है, लंबी कतार माप जो थोड़ी देंगे उसे जमीन, लंबी कतार है, लंबी कतार माप ले जितनी है, ले ले अपनी, मना कर रहे कौन सी लंबी, वहाँ से माप, वहाँ से उस कोने में से लेकर उस कोने तक माप ले, उस कोने में से लेकर उस कोने तक माप ले, कोई दिक्कत नहीं है, सब तेरी जमीन है, तू देंगे, लेकिन उस कोने से लेकर उस कोने तक मापनी पड़ेगी। लंबी कतार है अपने, उसमें देख लो क्या है, नहीं पीछे नहीं, लंबी कतार है, लंबी कतार ले ले अपनी जो है, बाकी पीछे नहीं लेने जमीन भाई, हम ना पीछे है, जब पीछे है पीछे ले ले, लंबी कतार है वो दे सके हम, ये नहीं देने हम, आदेश नहीं, आदेश नहीं, आदेश कोर्ट में केस चल रहा है, इसका केस कोर्ट में चल रहा अभी, नहीं लंबी कतार है, लंबी कतार माप ले, वहां तक कितनी नहीं बैठे ले अपनी, बैठ जो हमने तो क्या कहा, यहाँ दस दस पंद्रह पंद्रह फुट जगह छोड़ रखी तेरी, चार फुट जगह बैटरी कुल वो थोड़े कर रहे हैं, हाँ तेरी बैठा तू ले भाई, तेरी चार चार पांच पांच फुट जगह बैटरी ले, लेकिन वहां से लेकर वहां तक माप ले अपनी को, जितनी लंबी कतार है हम मना कर रहे तेरी जमीन को, और बड़ी बनाई दीवार तोड़ दी तुमने, कोर्ट में केस चल रहा, नहीं नोटिस आया, नोटिस दीवार तोड़ने का थोड़े आया, मुफ्ती का आया था आपका, नहीं दीवार तोड़ने का थोड़े हुआ यार, उसमें जैन सर जी नाजायज कब्जा कर रहे हैं दीवार तोड़ के, सर यही इनका जो बहना हुआ है जो इन पे है, वहाँ से लेकर उस कोने से लेकर और उस कोने तक का है, इसकी लंबी कतार है, आप इसकी जमीन के कागज देख सकते हो सर, नहीं ताओ में नहीं आ रहे सर, हम तो बिल्कुल वो कर रहे हैं, और इसका सर कोर्ट में केस चल रहा है, अल्लाह में जाओगे तो मुझे कार्रवाई करनी, ये पहला आपका मुकदमा चला होगा जी, मुकदमा चल रहा वाली में हमारा, चार लोग ये पूछ लो ये कौन साहब है जी, पता चल गया तुम्हें, कानू को साहब है, कानू को साहब है, चल गया पता, पहले दरबार बोल रहा था पूर्व में कानू को जो थे ना, उन्होंने 4/9/2019 को ये रिपोर्ट दी थी एसडीएम साहब को, ये एसडीएम साहब का आदेश है, 4/9 के अनुसार नींद मौके पे कायम कराई जाए, इनका जो वो इसका जमीन का वो है वो दिखाओ, हाँ हाँ वही तो दिखा रहा, देखो समझ लो भाई, जब तू समझोगे देखो जी, ये कानून ने 4/9 में रिपोर्ट भेजी थी मेरे से पहले जो तेजपाल सिंह थे जी 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 जी, ये हिस्सा है देखो जी, ये आकर किसे गिरा हुआ, ये हिस्सा, ये दो सर, ये लंबी कतार है इनकी, ये लंबी कतार जो है ना, इनको 4 मीटर
चार मीटर तो चौड़ी सर वहाँ से लेके वहाँ तक की हम वो भी वही पहले इनकी पूरी बात सुन उसके बाद ऐतराज लगाना संतुष्ट न हो। हम लोगों की बात करता ये जो खाली जमीन पड़ी ना इसमें एक लंबी कतार चार मीटर चौड़ी लंबी कतार इस दीवार ये लंबी कतार ही आई चार मीटर चौड़ी सर जी इसमें यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक आ रही है मीनिए आपको मापने इसकी लंबी कतार में आपका ये पढ़ो भाई यहाँ है जी ये पढ़ो इसके आप ये देख रहे ना ये लंबी कतार थी इनका जो नक्शा है वो ना नक्शा दिखाओ इनका सर जो इनका नक्शा है उसमें दिखाओ उसकी इनकी लंबी कतार आ रखी सर आराम से सुन सर मैं आराम से सुन रहा हूँ प्यार से सुन रहा हूँ जो मैं बात कह रहा हूँ सत्य है आप उन देखो सुनो जो पहले कानून ने रिपोर्ट उनका नक्शा दिखाओ भाई जो पहले कानून ने रिपोर्ट आपसे मैंने पीछे करा तुम्हारे पे आराम से समझा 224 जी 224 मीटर जो है 224 मीटर आपके फालतू में जी 224 मीटर आपको से लेके इनको दी गई या लंबी कतार जब आराम से लंबी कतार सर मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार आपको ये कह रहा हूँ मतलब भाई ये बात तो इन्होंने कुछ आपको दिए हैं जो आप मतलब इनकी तरफ की कह रहे हो सर चुप रहो जरा चुप की क्या बात है साहब ने आदेश करे ये आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी सामने कोई दिक्कत नहीं है आदेश तो है आदेश दीवार तोड़ने के नहीं दे सर जी दीवार हमने नहीं हम तो दुकान लगाए नहीं दीवार आपने तोड़ी है दीवार आपने तोड़ी है मुकदमा करेंगे कुछ मुकदमा इसका चल भी रहा कोर्ट में मालिक मुकदमा चल रहा मालिक भी नहीं है जो जिसके नाम का नाम है राम सिंह नाम है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है ऐसे चलता ही अपनी मर्जी से दीवार सर ऐसा कुछ नहीं है हमने नोटिस मिले दीवार तोड़ने का आदेश नहीं थे सर और हम कह रहे हैं हम जमीन बना नहीं करते जो उसकी निकलेगी ले लो लेकिन वहाँ से लेकर कोने से लेकर कोर्ट में डालना आप जी हमने तो कोर्ट में डाल रखा था गुन्नाथ नहीं भोजन देते सर नहीं ये तो निशान लगा दिया नहीं हम गुन्नाथ नहीं भोजन देते नहीं हम नहीं भोजन देते गुन्नाथ सर नहीं हम तो ही है सब तक छोटे हैं छोटा मैं एक हफ्ता पहले नोटिस दिया था बुला लेते भाई नहीं सर हम 10 बार मत होगी इसकी 10 बार मौजूद रहे आज हम दोपहरे तक रहा हमें दोपहरे के बाद एक गुजर पुराली भरने चलेगा नहीं मौजूद में मौके भी होता है आज शांति से सुनो जी हफ्ता पहले नोटिस दिए थे तुम्हें जी उनको बुला लेते एक हफ्ता पहले नोटिस अमेरिका है सर नहीं जी सर उनके साइन भी नहीं हुए नोटिस सारे भाई अमेरिका है यहाँ कोई भी देखो आज तक कितने भाई हो तुम हम दो भाई है यहाँ फिलहाल तो सब पे आए हुए है ना नोटिस कौन सब है तो हम तो उतारे सबके वाला हम कुछ नहीं होने देते सर इसमें अपने माप लेना कोई दिक्कत नहीं हम इसका वो डाल लेंगे इसमें तब वो करेंगे हाँ कोई नहीं वहाँ से लेकर वहाँ तक मापते जितने इसकी बैठते हैं 4 मीटर 7 सेंटीमीटर एक सेकंड सर आपने बताओ इसकी इधर मतलब ये क्या फुट बैठती है ऐसे क्या फुट बैठती है बता दो मुझे ये रोड नहीं सर ये रोड इतनी सी थी सर जी ये रोड इतनी सी थी तो साथियों आप सभी ने देखा वीडियो देखा इसमें तोड़ रहे हैं कि दीवार तोड़ रही है तोड़ दी है इसमें एक राम सिंह जी ने जो है एक लेटर दिया है उसको हम हूबहू पढ़कर सुना देते हैं। उसमें लिखा सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय सहारनपुर तो सहारनपुर वाले को लेटर दिया उन्होंने इसमें वो कहते हैं कि महोदय निवेदन है कि गुरुद्वारा बाबा लक्की शाह जी वणजारा ग्राम तोता टांडा थाना बहरगढ़ में गुरुद्वारा साहिब के लंगर हाल की जमीन पर सहारनपुर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन चल रहा है जिसकी सूचना पहले भी उपरोक्त उप जिलाधिकारी महोदय बेहट को 3 बार दी गई है यानी कि 3 बार दे दी गई है जानकारी फिर भी ये गुरुद्वारा तोड़ दिया उन्होंने मतलब एक लंगर का जो दीवार थी वो तोड़ दी उन्होंने जबकि जानकारी दे रखी है पहले से फिर भी ये शैतान लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है इसमें 3 बार दी गई है जो लोग लंगर की ज़मीन बेचने के बाद मतलब ज़मीन बेची हुई थी पहले से या जो उनको बेची इन्होंने ले ली होगी बेचने के बाद अपनी बताते हैं मतलब बेच दी थी ज़मीनें उसके बाद भी उसको अपनी बता रहे हैं यह वह अभी भी अपनी ज़मीन बताकर पुलिस को साथ लेकर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। महोदय कल दिनांक 26 तारीख मतलब कल 26 तारीख का निकला हुआ लेटर है 26/10/2020 को भी ये
लंगर हाल की दीवार प्रशासन भेंट द्वारा तोड़ दी गई है, यानी कि दीवार तोड़ दी गई। आप वीडियो देख रहे हैं इसमें कि दीवार तोड़ रहे हैं इसमें। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि जब तक मुकदमा विचाराधीन चल रहा है तब तक किसी को भी जमीन नापने व या कब्जा करने का अधिकार नहीं है, ना दिए जाएं। अगर ऐसा होता तो गुरुद्वारे के की शांति भंग होने या संगत के उपग्रह होने की आशंका है, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित है। तो ये जो इन्होंने इन्होंने मतलब दी है तो इसमें वापस दी है उन्होंने 27 मतलब लिखी गई जो तय है ये डेट जो है 26 की लिखी गई, लेकिन जो दिना 27/10/2020 सॉरी। तो इसमें है भवदीय राम सिंह के साइन, राम सिंह के साइन में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको वीडियो इसको आप, तो राम सिंह प्रबंधक गुरुद्वारा लखी साहब बंजारा ग्राम तोता टांडा थाना बिहारीगढ़ तहसील बेड़ जिला सहारनपुर। तो राम सिंह जी ने जो है ये लेटर भी दिया है। अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, ये सारा सिस्टम आप देख रहे हैं कि जो भारत के अंदर जो कहीं भी चल रहा है, ये भारत के अंदर गुरुद्वारे तोड़ रहे हैं और ये इतने बल इतने लालची टाइप के लोग हैं, इतने शैतान जो कहते हैं, शैतान ही कह सकते हैं इनको, और तो कुछ नाम देना इनके लिए ठीक नहीं है। तो जो उनके अंदर जो है कि एक वो बढ़ रहा है मतलब दूसरे की ज़मीन पर कब्जा, दूसरों को गुरुद्वारों पर कब्जा ये करना चाहते हैं। बात ये नहीं है कि क्यों करना चाहते हैं, बात यह है कि ये दूसरों को परेशान करके सुकून महसूस करते हैं, तो इनका सुकून ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़। और याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता ही ऐसा है जो पूरे लोगों की आवाज़ उठाता है, पूरे मजलूमों की आवाज़ उठाता है। और ये गुरुद्वारे की बात है तो हमारे गुरुओं का घर है, हमारे अपने मतलब जान से प्यारा है, तो इसकी तो आवाज़ हम उठाएँगे। और हम खास करके राम सिंह जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उसकी गुरुद्वारे की सेवा की है दिन रात मेहनत करके। राम सिंह जी का फोटो भी आप देख रहे हैं इस पर वॉइस ऑफ मानवता पर। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और जुड़ रहे वॉइस ऑफ मानवता के साथ में आप कम्युनिटी में लाइक करें मेरे को। थैंक यू, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। सब के सब जब तक इकट्ठे नहीं होंगे सिख, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो दूसरे भाग जाएंगे, ये हम गारंटी के साथ में कहते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। अस्सलाम वालेकुम।